हेलो एवरीवन इन दिस लेक्चर वी विल स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपाइलर बेसिकली देर आर टू पार्ट्स ऑफ कंपाइलेशन फर्स्ट इज एनालिसिस एंड द अदर वन इज सिंथेसिस सो इफ आई डिस्कस द फर्स्ट दैट इज एनालिसिस इट इज आल्सो कॉल्ड एज फ्रंट एंड हियर व्हाट वी ट्राई टू डू इज वी ब्रेक द सोर्स प्रोग्राम सो बेसिकली हम करते क्या है जो हमारा सोर्स प्रोग्राम जो भी आपने कोड लिखा हुआ है किसी भी लैंग्वेज में चाहे सी है सी प्लस प्लस बाई थनजामा आप इसको बेसिकली क्या करेंगे इसको आप ब्रेक करेंगे इन टू पीसेस एंड देन यू विल इम्प्लो समेटिकल स्ट्रक्चर ऑन दिन तो आप क्या करोगे आपने जो जैसे लेट से अगर मैंने कोई कोड लिखा है तो वैन आई एम सबमिटिंग इट टू दम्पाइलर सो इट विल फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रेक इट इन टू पीसेज दैट इज कॉल्ड एस टोकन्स और उसके बाद वो उसके ऊपर ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर लगा के ये चेक करेगा कि उसमें कोई एरर तो है या नहीं है अगर कोई एरर होगी तो ऑब्वियसली इट विल थ्रो एन एरर एंड वी हैव टू रिजोल्व दैट एरर एंड वंस अगेन वी विल कंपाइल इट आफ्टर सक्सेसफुल रिमूविंग ऑल द एर ओनली इट विल गिव यू सक्सेसफुल कंपाइलेशन राइट उ इट देन यूजेस द स्ट्रक्चर टू क्रिएट एन इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सोर्स प्रोग्राम तो जो आपको पर्टिकुलर स्ट्रक्चर दिया था पहले आप उसको टोकन में ब्रेक करेंगे फिर आप ये फाइंड आउट करेंगे कि उसमें कोई ग्रामेटिकल एर तो नहीं है वो आप रेक्टिफाई करेंगे और उसके बाद आप इसका इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन करेंगे यू मस्ट है इंटरमीडिएट कोड रिप्रेजेंटेशन सो इन दैट फॉर्म वी विलिसंटेटिकली उसमें कोई सिंटेक्स एरर है यानी कोई ग्रामेटिकल एर है या पंक्चुएशन एर है या आपने सेमिकोलर नहीं लगाया है या आपने पर्टिकुलरली uh, दो वेरिएबल्स के बीच में स्पेसिंग नहीं दी है कॉमर ठीक से नहीं लगाया है या आपनेट से कोई स्पेलिंग मिस्टेक किया है तो ये सारी चीजें होंगी ये इट विल ट्राई टू फाइंड आउट इन दिस स्पेस एंड देन इट विल ऑल्सो ट्राई टू फाइंड आउट कि सीमेटिकली वो अनसाउंड तो नहीं है यानी कि जैसे अगर से अगर सेक्स और वाई दो वेरिएबल्स है और उनकी वैल्यू है टेन और ट्वेंटी और आपको उन दोनों के, उन दोनों दोनों के वेरिएबल्स को कंपेयर करना इफ के अंदर इफ कंडीशन के अंदर लेकिन अगर आप एक्स इज इक्वल टू इक्वल टू वाई नहीं लिखेंगे दैट इज अ अम्पेरिजन ऑपरेटर तो वो कंपेयर नहीं करेगा मतलब वो कंपेयर करेगा बट उसके प्लेस पे अगर आप इक्वल टू लिख देंगे असाइनमेंट ऑपरेटर लिख देंगे तो वैल्यू असाइन हो जाएगी तो अगर हम इसकी बात करें अगर आप इस तरह की भी गलती करते हो तो आपका जो कोड है वो आपको कोई ग्रामेटिकल एरर तो नहीं देगा बट सिमेंटिकली वो गलत होगा तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है देन इट मस्ट प्रोवाइड इन्फॉर्मेटिव मैसेजेस सो दैट यूजर कैन टेक करेक्टिव एक्शन सो बेसिकली व्हाट इट इज ट्राइंग टू डू इज इन दिस फर्स्ट पार्ट एनालिसिस पार्ट और वी कॉल इट एज फ्रंट एंड वॉट वी ट्राई टू डू हमारा जो सोर्स कोड है उसको हम टोकन में ब्रेक करते हैं और उसके ऊपर ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर अप्लाई करते हैं और उसे इंटरमीडिएट कोड में रिप्रेजेंट करते हैं एंड देन वी ऑल्सो ट्राई टू फाइंड आउट कि आपका जो पर्टिकुलर कोड है उसमें कोई ग्रामेटिकल एरर सिंटेक्स एरर तो नहीं है और साथ ही साथ उसमें कोई सिमेंटिकल एरर भी नहीं होनी चाहिए ये दोनों चीजें आपको रिमूव करनी है अगर इस तरह का कोई इशू आता है आपके कोड में तो कंपाइलर विल थ्रो एन एरर दैट यू नीड टू रिजोल्व

वी हैव मेड द इंटरमीडिएट कोर्ड रिप्रेजेंटेशन फॉर दैट तो ये क्या करेगा उसके लिए फाइनली आपको एक डिजायर्ड आउटपुट क्रिएट करेगा डिजायर टारगेट प्रोग्राम क्रिएट करेगा फ्रॉम द इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन दैट यू हैव मेड इन द प्रीवियस फेज एंड आल्सो इट विल यूज द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द सिंपल टेबल वाइट

सिंबल टेबल विच स्टोर्स इन्फॉर्मेशन अबाउट दर सोर्स इज यूज कंपाइलर और इमोर्टेंट बात यह सिम्पल टेबल स्ट्रक्चर मैं आपसे बात कर रही हूँ जिसमें हम अपने कोर्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन स्टोर करते हैं ये सभी जो जितने भी फेजेस आपके कंपाइलर के सिक्स फेजेज ऑफ कम्पाइलर सभी के सभी इसको यूज करते हैं सो दैट वॉज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर टॉपिक इफ दिस कम्स इन एग्जाम दिस इज ऑल यू नीड टू एक्सप्लेन एंड दिस कैन बी ए सिक्स मार्क्स क्वेश्चन right so that's all for today now let's uh, we'll uh, switch to the next uh, video that is phases of compiler thank you so much